जय जगन्नाथ आप सबका स्वागत है मेरी चैनल छिली स्पाइस वॉक्स में दोस्तों आज चलिए बनाते हैं भेज़ बिरयानी स्वाद तो रेस्टोरेंट जैसा होगा लेकिन बनाना बहुत ही सिंपल होगा यहाँ पे मैंने 1.5 कप लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस लिया है जब बिरयानी बना रहे हैं तो चावल तो थोड़ा अच्छा होना चाहिए ना कोशिश कीजिए चावल ही थोड़ा सा अच्छा लेने के लिए दो से तीन बार धोने के बाद इसको मैंने आधे घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया था अभी चावल बड़े अच्छे तरीके से फूल गए हैं और फूल के बड़े बड़े लंबे-लंबे हो गए हैं एक भगोना चढ़ाएंगे जिसमें हम एक लीटर पानी डालेंगे पानी उबल जाए तो दो छोटे चम्मच नमक नमक के साथ हम जो भिगो के रखे थे चावल उसको डाल देंगे और चावल को मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे हमें इस चावल को दोस्तों यहाँ पे बस फिफ्टी परसेंट कुक करना है फिफ्टी क्या अगर फोर्टी परसेंट भी कुक होगा तब भी बेस्ट है लेकिन कोशिश कीजिए सेवेंटी या एटी परसेंट मतलब इतना कुक ना करने के लिए बस थोड़ा सा लंबा लंबा हो गया है और फिफ्टी परसेंट ही कुक हुआ है अभी गैस बंद करके हम अभी इसका पानी निकाल लेंगे तो ये देखिए मैंने ढक्कन लगा के इसका पानी निकाल लिया है और अभी इसको आधा ढक के हम साइड में रख देते हैं और चलते हैं इसका जो दूसरा प्रोसीजर करने के लिए मटर गाजर फूलगोभी गोभी और गोभी की साइज़ देख लीजिए ऐसे थोड़े से बड़े आकार के हैं बेबी पटाटोस और उसके साथ कुछ बीन्स उसको भी थोड़े लंबे लंबे रखी हूँ दोस्तों और जो बीन्स का साइज़ है आप अपने अकॉर्डिंग और भी छोटा कर सकते हैं ये जो बेबी पोटैटोज है दोस्तों आपके पास नहीं है तो आप आलू को थोड़े से बड़े बड़े साइज में काट के भी डाल सकते हैं और अगर ऐसे बेबी पोटैटोज लेते हैं मैं तो बोलूंगी यही लेके बनाइए बहुत ही स्वादिष्ट होता है ऐसे थोड़ा सा हम कांटे वाली चम्मच से अगर छेद कर देते हैं उसके अंदर नमक और मसाला बड़े अच्छे से आ जाता है 100 ग्राम पनीर बड़े बड़े क्यूब में रख लेंगे तो दोस्तों ये तो हो गया सब्जियां खड़े मसाले में तेज पत्ता लौंग और एक चक्री फूल उसके साथ एक बड़ी इलायची दो छोटी इलायची एक दालचीनी और कुछ काली मिर्च मेरे पास थे तो मैंने डाला आपके पास जो भी अवेलेबल होगा आप डाल दीजिए दो प्याज जिसको मैंने ऐसे लंबे लंबे लच्छी में काटा है ये देखिए कैसे लंबे लंबे मोटे मोटे थोड़े से काटे हैं अब ये एक मसाला बनाएंगे जिसके लिए एक बड़ी साइज का टमाटर लिया दो हरी मिर्च बीच में से चीरा लगा दिया है उसको भी डाल देंगे और इसमें एक तिहाई कप हम दही डालेंगे दोस्तों जब भी बिरयानी बनाते हैं इस मसाले की प्रोसीजर से ऐसे ही बनाइए आप देखिए स्वाद और जो फ्लेवर कितना अच्छा आता है ये मेरे अदरक लहसुन के पेस्ट है जिसमें से मैं तीन छोटा चम्मच डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और उसके साथ एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और हमें जो बिरयानी मसाला है आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं ऐसा मैं कोई स्पेसिफिक नहीं बता रही हूँ दो छोटे चम्मच बिरयानी मसाला इन सब को हम अच्छे से ना मिक्स कर देंगे एक बात यहाँ बताना चाहूँगी जो अदरक लहसुन की पेस्ट है ऐसे क्यूब आकार में रखो तो बहुत ही बढ़िया और बहुत दिन तक मतलब आइस फॉर्म में रहती है सारी तैयारी हो गए अब चलते हैं बिरयानी बनाने के लिए आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे तेल डाल रही हूँ तो दोस्तों चार बड़े चम्मच तेल ली डाला है रिफाइंड ऑयल तेल अच्छे से गर्म हो गया आधा छोटा चम्मच जीरा दो पिंच हिंग सारे खड़े गर्म मसाले डालेंगे ढक्कन तुरंत बंद कर देंगे जिससे क्या होगा जो फ्लेवर है वो ऑयल में आ जाएगा बस एक मिनट के लिए उसके बाद हम प्याज डाल देंगे तेल गरम होने के बाद जब खड़े मसाले डालते हैं उस टाइम ध्यान रखिए फ्लेम लो होना चाहिए वरना खड़े मसाले जल जाएंगे और फ्लेवर क्या आएगा मसाले ही जल जाएंगे प्याज डाल के प्याज को हमें दो मिनट तेल के साथ भुनना है उसके बाद जो बेबी पटेटोज़ हैं वो थोड़े से दोस्तों पकने में टाइम लगेगा उसलिए उसको पहले डाल देंगे डाल के प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे फ्लेम हमारा मीडियम रखेंगे और इसको ढक्कन लगा के पाँच मिनट के लिए कुक होने देंगे अब पाँच मिनट बाद देखिए इससे क्या होगा हमारा जो आलू है वो भी पकता रहेगा और जो प्याज है वो भी भुनता रहेगा और जो खड़े गरम मसाले की फ्लेवर है वो भी आलू के अंदर आते रहेंगे तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं पाँच मिनट आलू को फ्राई करने के बाद हम सारी सब्जी डाल देंगे बस ग्रीन मटर और पनीर को छोड़ के आप चाहें तो आपकी मनपसंद की कोई भी सब्जी इस टाइम डाल सकते हैं सब्जियों को अच्छे से मिक्स करके पाँच मिनट के लिए ढक्कन लगा के पका लेंगे पाँच मिनट बाद फिर से मिक्स कर लेंगे दोस्तों ठंडी की जो सब्जियां होती है जल्दी पक जाती है लेकिन पानी भी थोड़ा सा ज़्यादा निकलता है उसीलिए पाँच मिनट बाद तो मिक्स किया फिर और पाँच मिनट के लिए ढक्कन लगा के पका रही हूँ अब पाँच मिनट के बाद देखिए अभी सब्जियां अच्छे से फ्राई हो गई है इस टाइम हमें अभी जो हमने जो टमाटर दही का मसाला बनाया था अभी हम उसको डाल देंगे फ्लेम वही मीडियम ही रहेगा आप ये मत सोचिए कि दही डालने से फट जाएगा कुछ नहीं फटेगा अच्छे से मिक्स करेंगे इसको हमें बस पाँच मिनट के लिए मतलब सब्जियों को मसाले के साथ पकाना है ढक्कन इसलिए लगाया क्योंकि जो मसाले की फ्लेवर सब्जियों में आ जाए पाँच मिनट बाद ढक्कन खोलेंगे और आप देख सकते हैं सब्जी में कितना अच्छा पानी है नमक नहीं डाले थे तो उसी दो छोटे चम्मच नमक डालेंगे चावल के लिए पहले से नमक डाल चुके थे तो उसीलिए सब्जी के लिए ध्यान से डालिए इस टाइम मटर और जो पनीर है उसको भी डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बस दोस्तों मिक्स करने के बाद अभी हमें इसको लेयर करना है जो चावल से तो पहले हम एक लेयर लगाएंगे आप ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रही हूँ दोस्तों अगर रेसिपीज़ आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए हाँ अगर आज पसंद आता है तो लाइक भी करना मत भूलिए अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए आधे चावल का एक लेयर लगाने के बाद अभी ऊपर से हम क्या करेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे जो कि एक अच्छा सा फ्लेवर देगा लेकिन हाँ आपके पास अगर पुदीना है फ्राइड काजू है आप इस जगह पे भी डाल सकते हैं मेरे पास सिर्फ धनिया था मैंने डाला लेकिन अगर धनिया पुदीना नहीं है तो भी आप स्किप कर दीजिए कोई आपको मतलब टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा बाकी बचा चावल ऊपर से लेयर करके थोड़ा सा पिंच ऑरेंज कलर डाल रही हूं। और अगर आपके आपको मन है कि फ्राइड प्याज डालना है तो इस टाइम आप डाल के ढक्कन लगा दीजिए 20 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे मतलब लो फ्लेम पे होते होते मैं यहाँ पे आप लोगों को रायता बनाना बता रही हूँ ये दोस्तों मेरा घर का जो मतलब जो लहसुन की जो हरे पत्ते हैं वो है अगर नहीं है तो आप यहाँ पे ये वाला गार्लिक भी यूज कर सकते हैं थोड़ा सा पुदीना थोड़ा सा धनिया एक हरी मिर्च उसको डाल के मिक्सिंग जार में डाल के आधा छोटा चम्मच से कम एक तिहाई छोटा चम्मच सफेद नमक एक तिहाई छोटा चम्मच काला नमक एक पिंच बस हींग और इसको हम क्या करेंगे एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे ये देखिए दोस्तों इतना थोड़ा सा कहाँ फाइन पेस्ट होगा है ना अब इसमें हम क्या करेंगे पानी नहीं डालेंगे दो चम्मच दही डालेंगे और दही डाल के इसका भी एक मतलब अभी देखिए अच्छे से पेस्ट हो जाएगा ये देखिए पेस्ट तैयार है ना चलिए रायता बनाते हैं यहाँ पे मैं आधा कप दही निकाल रही हूँ और ये दही मेरा घर का जमाया हुआ है अब इस दही को हमें अच्छे से दोस्तों फेंट लेना है चम्मच से फेंटिए या फिर मिक्सी में ही घुमा लीजिए बहुत ही आसान तरीका है है ना अब इसमें हमें इसको मिलाना है तो इजी प्रोसीजर तो है अगर इसमें मिलाना है तो इसी में दही ही क्यों ना डाल के पीस ले है ना जो रायते की थिकनेस है आपके ऊपर डिपेंड करता है मैं यहाँ पे करीबन एक चौथाई कप पानी डाल रही हूँ और डाल के बस इसको मिक्स कर दिया बारीक कटा हुआ गाजर या प्याज आप इसमें डाल सकते हैं या खीरा भी डाल सकते हैं रायता तैयार है चलिए बिरयानी की तरफ चलते हैं दोस्तों 20 मिनट बाद मैंने इसको बंद कर दिया था करीबन एक घंटे बाद मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ बिरयानी कभी भी तुरंत गैस बंद करके मत खोलिए ये आज का दिवस है क्योंकि जब दम पे चावल पकता है ना जब हम गैस बंद करते हैं भाप के अंदर ये और भी ज्यादा कुक होता है हाँ ये भेज बिरयानी ऊपर से दो या तीन चम्मच ऐसे गरम गरम घी डाल के फिर मिक्स की करके सर्व कीजिए फ्लेवर और भी अच्छा आएगा पूरी घर की माँ की हाथ की बिरयानी की तरह लगेगा ये देखिए दोस्तों फ्लेवर तो पूरा रेस्टोरेंट जैसा लेकिन स्वाद इतना अच्छा कि आप जब बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे तब विश्वास करूंगी मुझे अच्छा लगने से नहीं चलता है तो चलिए आप लोग भी ट्राई कीजिए ये बिरयानी के साथ ये लहसुनी रायता कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए आशा करती हूँ आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी बहुत बहुत धन्यवाद